नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आज हमारे पास है दोस्तों लॉजिटेक की तरफ से आने वाला एक वायरलेस कीबोर्ड जिसकी कीमत है दोस्तों तकरीबन 700 रुपये। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं करूंगा इसका अनबॉक्सिंग, दिखाऊंगा आपको बॉक्स कंटेंट कैसा है और साथ ही साथ क्या यह प्रोडक्ट 700 रुपये की कीमत में आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो बने रहिएगा हमारे साथ दोस्तों और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को मैं तकरीबन 650 रुपये के आसपास ऑर्डर किया हूँ, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैंने सेल में खरीदा था। तो अगर आपको भी खरीदना है गाइस तो आप देख सकते हैं नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसका यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉजिटेक का मैंने K230 का मॉडल खरीदा है। आप कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेट देख सकते हैं गाइस, और इस बॉक्स में काफ़ी कुछ लिखे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लॉजिटेक की ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पर हमें एक USB डोंगल भी देखने को मिल जाता है दोस्तों, और पीछे की तरफ सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अगर MRP की बात की जाए तो आप देख सकते हैं तकरीबन 995 रुपये इसका MRP है। इसके साथ साथ दोस्तों बाकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पर बॉक्स के ऊपर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर बेसिकली लिखा यही गया है कि स्पिल रेजिस्टेंस है ये। इसमें काफ़ी सारे कीज़ आपको देखने को मिलते हैं, एडजस्टेबल यहाँ पर आपको लेग्स देखने को मिल जाएगा और कोई भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन का ज़रूरत नहीं है गाइज। इसके साथ साथ ये आपको पूरी बैटरी के साथ चलेगा। तो चलो इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं गाइस सबसे पहले हमें मिल गया है ये वाला, आप देख लो लॉजिटेक का यहाँ पर ब्रांडिंग किया गया है। और यहाँ पर बेसिकली आप ये सारे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो पोर्शन है बेसिकली जो मिलता है आपको उस सारे चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर आपका दिख जाएगा। इसके साथ साथ देख लो गाइस ये प्लास्टिक के पैकेट के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो इसे मैं अच्छे तरीके से निकाल करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर आपको नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस ये सब मिलता है, तो ये सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है फिलहाल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस आपको एक डोंगल देखने को मिलता है जिसे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा आपके लैपटॉप पे। तो यही है गाइस। और इसके साथ साथ हम देख लेते हैं बैटरी हमें कहाँ पर मिली है, तो देखते हैं शायद अंदर ही होगा। तो चलो इसे मैं निकाल करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है ब्रांड न्यू लॉजिटेक का K230 मॉडल का दोस्तों वायरलेस कीबोर्ड, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे मेरे पास पहले से था एक और कीबोर्ड गाइस जो कि आप देख सकते कुछ इस तरीके का था, जिसका अनबॉक्सिंग रिव्यू मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन ये यार एक वायर्ड कीबोर्ड है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो मुझे ज़रूरत थी वायरलेस की, दैट्स द रीज़न मैंने इसे मंगवाया है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली किस तरीके का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बेसिकली ये वाला जो कीबोर्ड मैंने आपको दिखाया, ये जो वायर्ड वाला आप देख रहे हो, ये एक गेमिंग कीबोर्ड का एक छोटा सा वर्जन है गाइस। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये काफ़ी स्टैंडर्ड टाइप का कीबोर्ड है गाइज, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। तो गाइज आप देख सकते हो काफी अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर कीबोर्ड हमें देखने को मिल रहा है, केवल 700 रुपये का कीमत में आता है दोस्तों और वायरलेस है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा इसे यूज़ करने में। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर नमपैड भी आपको देखने को मिल जाता है, और ये बेसिकली बैकलिट नहीं है यार, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और पीछे की तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं लेग उठाने के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और बाकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पर लिखी गई हैं क्लियरली, जो कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। तो चलो इस वाले पोर्शन को मैं निकालता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ आपको कि यहीं पर आपको बेसिकली बैटरी लगाने को मिलता है, तो कुछ इस तरीके से आपको स्लाइड करना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस पहले से में दो पेंसिल बैटरी लगी गई है, तो यहां पर आप देख सकते हो ठीक ठाक क्वालिटी मुझे लगता है मिला है। और इस वाले पोर्शन को मैं फिलहाल निकालता हूं, तो मेरा बैटरी ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं छोटा छोटा आपको दो बैटरी लगाना पड़ेगा, और इसकी क्वालिटी का टेस्ट तो बेसिकली मैं करूंगा, उसके बाद ही आपको बताऊंगा कि कितना दिन इसका बैकअप मिलता है। इसके साथ साथ आपको और भी जो अलग अलग दिए गए हैं यहाँ पर जो पोर्शन, इसको आप लगा सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग गाइज। और बाकी जो आपको डोंगल मिल जाता है यहाँ पर, जो आपको एक्स्ट्रा डोंगल दिया गया है, इसको आपको अपने लैपटॉप पर लगाना होता है और उसके बाद ये यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। तो चलो इसे मैं लगा करके देखता हूँ कि क्या ये फंक्शन करता है या फिर नहीं, कि कोई सॉफ्टवेयर का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो ये आसानी से यूज़ हो रहा है गाइज, मैं अपने स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बटन्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये यूज़ हो रहा है, मुझे कोई भी इशू नहीं आ रहा है। तो चलो यार इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना होगा तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल जाए कि यार कोई ऐसा कीबोर्ड मिल रहा है जो कि सस्ते दाम में मिल रहा है। और चैनल पर नए होंगे गाइस तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।